तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। और आज हम मनीषा और हम घूमने जाने वाले, लेकिन ये भी नहीं पता है कि कहाँ जा रहा है। बस घर से सामान पैक कर लिया है और निकल रहे हैं, लेकिन अब कहाँ निकलते हैं ये कोई पता नहीं है। तो आप एंड तक वीडियो के साथ बने रहे, हम कहाँ जाते हैं आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। भर लिए है लेकिन ये पता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। आप देखते हैं, जहाँ पे हमारा मूड होगा घूमने का वहाँ पे निकलेंगे। ये बैग उठाया मैंने भी। चल मनीषा, तेरा बैग भी उठा। तो भाई हमको घूमना है, तो हम दो ही निकल रहे, कोई नहीं, लड़के साथ वाले जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम ही जाएंगे अब घूमने। ये ले तेरा बैग। तो गाइस बांध रहा हूँ सूज और इसने वीडियो चालू कर दिया अभी। तो भाई आ चुके रिलायंस पे, जो कि पेट्रोल खत्म हो चुका है गाड़ी में। तो मैंने सोचा कि पहले पेट्रोल डलवा लेते, तो रिलायंस पे आए अभी, उसके बाद आपको बताता कहाँ आ चुके हम। भाई 500 का डलवाया अभी, देखते कहाँ तक जाते इतने में। तो भाई अभी खंडवा से भी निकल चुके हैं और छेगा माकन से भी हम बाहर हो चुके हैं। अभी रिलायंस पे से हमने पेट्रोल डलवाया है, लेकिन अभी हमने दोनों ने डिसाइड नहीं किया कि घूमने के लिए हम जा कहाँ रहे हैं। तो अभी तो इंदौर रोड पे खड़े, आप देख सकते हो तो गाड़ियाँ जा रही है, लेकिन कंफ्यूजन में कि कहाँ घूमने जाना है। तो आप एंड तक वीडियो के साथ बने रहे, कहाँ पे जाएंगे आपको पूरा मैं दिखाऊंगा, लोकेशन वगैरह भी, और बहुत सही जगह घूमने जा रहे हैं। तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहे, ठीक है। तो भाई साहब सनावत भी छोड़ दिया हमने और अभी बढ़वाई के नर्मदा जी के ब्रिज पे खड़े हम, और बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। अभी भी हमने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन सनावत के और बढ़वाई के ब्रिज पे, जो कि नर्मदा जी का ब्रिज है, इस पे खड़े हैं। तो भाई देख सकते हो बड़वा में काफी ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा गर्दी है अभी। और अभी हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे महेश्वर, जो कि अभी बज रहे हैं 3, तो 4 बजे तक हम पहुंच जाएंगे महेश्वर में। और फिर वहां जाके स्नान करेंगे और आप देखना सीन क्या होता है वहां का, किसे क्या रहता है। एंड तक वीडियो के साथ बने रहे। तो गाइस देख सकते हो बस पूरी तिरछी चल रही है, प्यार में मुंह किधर जा रहा है और चल रही है किधर, देखो इधर जा रही है तिरछी तिरछी साली, ये किधर भाग रही। तो भाई जस्ट पहुंच चुके हम अभी महेश्वर में, इधर गाड़ी लगा दी हमने और यहाँ पे लॉक भी लगा देते अपन। तो भाई लॉक लगा दिया गाड़ी को और अपन चलते हैं यहाँ से। तो भाई हमने अभी पीछे से एंट्री मारी, हम आगे से नहीं आए, जो कि अहिल्या देवी का मंदिर है उधर से हमने पीछे से एंट्री मारी है। तो अभी आपको दिखाता हूँ सामने का नज़ारा। तो गाइस मनीषा दीदी तो नहाने का नहीं बोल रही है, लेकिन मैं तो नहाऊंगा, क्योंकि मैं नहाऊंगा जब मेरे को अच्छा लगेगा, तो मैं ही नहाऊंगा और तूने ब्लॉग बनाना है ना। तो गाइस मैं जा रहा हूँ नर्मदा जी में डुबकी मारने के लिए, और ठंडी भी लग रही है, लेकिन फिर भी मारूंगा। और ये बाल कड़क हो गए थे, शैम्पू भी ले लिए मैंने, तो देखता हूँ। भाई साहब देख सकते हो कितनी सारी मछलियाँ इसमें पानी में आपको दिखती होगी, और कुछ ऐसा सीन है भाई इधर महेश्वर का भी फिलहाल में। तो भाई देख सकते हो कितनी सारी मछलियाँ, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, लेकिन फिर भी डुबकी मारूंगा धीरे से ना। भाई मजा आ गया नहाने में, लेकिन अब नहीं ठंड लग रही।
तो गाइस बहुत ज्यादा थक चुका है यार भाई। पानी बहुत तेज, उधर ही पानी लेके जाता हूँ। दर्शन दर्शन करेंगे और घुमाऊंगा आपको पूरा महेश्वर, तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहे। चलो तो भाई नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं अपन नर्मदा जी में, और आप आपको मैं दिखाऊंगा महेश्वर का जो कि लुक है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके और बहुत मतलब सुकून महसूस होता है। तो आप भी कभी आओ और आपको दिखाता हूँ मैं, तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहे ठीक है। तो भाई कुछ ऐसा सीन है यार भाई, इधर नर्मदा जी है, हमारी मनीषा को देख सकते हो पापड़ खा रही है और नहाई है नहीं नर्मदा जी में। अगली बार नहाएंगे, अगली बार। तो गाइस बहुत सारे भक्त आते रहते हैं यहाँ पे भी महेश्वर में, और काफी अच्छा लगता है 4 बजे यहाँ पे। और आज शनिवार है तो इसलिए कम भीड़ है यहाँ पे, सोमवार के दिन बहुत ज्यादा भीड़ आती है। तो गाइस मेरी बुआ का लड़का भी आ रहा है, उसने भी फोन लगाया अंकित ने जो कि यहीं पे रहता है, तो पता नहीं कहाँ है, बोले कि भैया मैं भी आ रहा हूँ यहीं पे रहना, तो वो आ रहा है, आप देखते इधर है। और मनीषा को पूछते कैसा, क्यों कैसा लग रहा है? अच्छा है, अच्छा लगता ना। तो भाई बहुत अच्छी जगह घूमने के लिए, और तीर्थ स्थान भी है, तो आया करो आप भी घूमने के लिए यहाँ पे, काफी अच्छा लगता है। और आपको अभी ऊपर दिखाऊं, मैं ऊपर गया नहीं हूँ। गाइस मेरी बुआ का लड़का भी आ चुका है जो कि सामने खड़ा है, और बढ़िया यस। तो भाई ये हमारी बुआ का लड़का जो कि अंकित, अगली बार भी आपने इसको देखा होगा वीडियो में, तो घूमेंगे दोनों साथ में, तो आप एंड तक वीडियो के साथ बने रहे। चलो आपको घुमाता हूँ। तो भाई चलते आप अपन ऊपर, और आपको भी ऊपर लेके चलता हूँ मैं। तो गाइस ये डोकरी बोर बेची रही, यहाँ बता दो माई जर चखाड़ था कसी कहला, खाटी तो नहीं है? नहीं है, मीठी छे। देखो तो सही खाई का मीठी छे भाई, मीठी चाट चाक तो मनीषा बस की ले मत ले जा, कसी छे भाई मीठी चाट बोर आते टाइम लेंगे आते टाइम। तो गाइस कुछ ऐसा सीन है, और मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ और ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर आ चुके हम, और वैसे तो पहली बार भी मैं घूम लिया था, लेकिन दूसरी बार घूमने फिर आ गया। तो भाई ये है मेन मंदिर महेश्वर जी का, आपको दिखाता हूँ पास से मैं। और आपको मैं दिखाता हूँ ऐसे नर्मदा जी ऊपर से। तो भाई यहाँ से कुछ नर्मदा जी का जो सीन है बहुत मस्त लगता है यार, नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। देखो तो भाई जो 4 बजे घूमने का मजा है काफी अलग है, और काफी मजा आता है यहाँ पे। और अंकित बोल रहा है कि रात में और ज्यादा मजा आता है, लेकिन हमको घर जाना पड़ेगा, टाइम हो जाएगा। तो भाई आपको जैसे दिखा दिया मैंने नर्मदा जी का सीन ऊपर से, बहुत मस्त लगता है और काफी अच्छा लग रहा है देखने में। निकलते भाई, गाइस हाय बोल रहे भैया लड़के यार। तो चलो नीचे चलते अपन आप। तो भाई ऊपर दर्शन भी हो चुके, आप जाते हम नीचे, और मोबाइल बहुत ज्यादा हिलता है मेरा। तो भाई पूरे मंदिर आपको घुमा रहा हूँ मैं, सभी जितने भी मंदिर है सभी घुमाऊंगा, सभी के यहाँ पे मंदिर, दो ही मंदिर है बस, ऐसे तो छोटे छोटे बहुत सारे, लेकिन मेरे को नाम ही नहीं पता है। तो भाई जा रहे ऊपर, अब देखते ऊपर और कैसे क्या सीन है। ऊपर अहिल्या देवी का मंदिर है, ऐसे तो मेरा देखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ वो भी मैं।
जूटे चप्पल निकाल लेने हैं। तो भाई ये है तोप और उसमें गोला भी फंसा हुआ है एक अंग्रेजों के जमाने का उसके अंदर। अब चलता किधर से क्या पता मेरे को, इधर से चल। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है जूते चप्पल बाहर निकालो, तो देखो सबने निकाल दे, हम भी निकाल देते हैं ना। देख सकते हो बंदूक वगैरह और तलवार और तोप के गोले भी बिल्कुल असली के असली आज भी रखे हुए हैं यहाँ पे। तो भाई देखिए अहिल्या बाई की राजधानी भी हमने देख ली और यहाँ पे एक प्रतिमा है बहुत बड़ी अहिल्या देवी की, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ पास से। तो भाई ये है प्रतिमा अहिल्या देवी की बहुत बड़ी और एक फोटो यहाँ पे मैं भी निकालू। तो भाई ये है देवी अहिल्या माता की प्रतिमा जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है यार देखने में, आगे खड़ी रहे एकदम ओरिजिनल जैसी। तो भाई महेश्वर धाम हमने घूम लिया है और अभी हम जाएंगे कालेश्वर मंदिर में, तो आपको अभी मैं दिखाऊंगा जो कि वो मेरे को नहीं पता है, मेरी बुआ के लड़के को पता है तो वो मेरे को लेके जाएगा। अभी ये देखते किधर है, हालांकि यहीं पे होगा वो। भाई हमने ये गेट से एंट्री मारी थी और यहीं से हम वापस भी जा रहे हैं अब, और हमारी गाड़ी भी इधर ही खड़ी है, आपको मैं दिखाऊंगा अभी फोटो के लिए। फोटो नहीं, दादी के साथ में सेल्फी खींच रहा हूँ मैं। दादी आप कहाँ से हो? तो इनको हिंदी नहीं आती है और कौन सी कंट्री से? डेनमार्क से भाई रहने वाले आंटी। हाय बोल दो। हाय हाय। तो भाई से हाय बोल रहे हैं, लाइक लाइक वीडियो लाइक्स। तो गाइस वीडियो को लाइक करो यार, इनकी तो सुन लो कम से कम। यस थैंक यू, कम से कम नूर इज रेलिट साइड रेलिट। थैंक यू। तो गाइस ये बहुत अच्छे हैं और यहाँ से हम निकलते हैं महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो आप एंड तक वीडियो के साथ बने रहे ठीक है। तो भाई उनको हिंदी आती नहीं है, उनको इंग्लिश आती है, तो अपने को इंग्लिश नहीं आती, साला लपड़ा ये होगा है। तो मैंने जो भी आया मेरे को मैंने बोला, उनसे बात करी, हालांकि अच्छे है वो सब समझते हैं। तो अब जाते हैं महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने। हाँ यहाँ से हम निकलते हैं, अब ये पीछे का गेट है और इसको पानी पानी चाहिए, और ये मेरी बुआ का लड़का और ये हमारी मनीषा। चलो पानी पीना है और खाना भी खाना है उधर। कहाँ है मंदिर अंकित? पास में ही यहाँ से। तो गाइस पास में ही, चलो हो गया ले मोबाइल। महाकालेश्वर मंदिर धाम का रास्ता यहाँ से, लेकिन मेरी बुआ का लड़का गया है तो मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ से रास्ता है, जो कि अपन महेश्वर आते हैं ना तो साइड में से आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे आप महेश्वर आ गए तो रास्ते में बोर्ड लगा होगा, ये महाकालेश्वर मंदिर, श्री महाकालेश्वर मंदिर का है बोर्ड लगा हुआ, यहाँ से और इधर रास्ता जाता है। तो मेरी बुआ का लड़का गया है, अब मैं भी जाता हूँ और आपको दिखाऊंगा मंदिर कैसा क्या है। तो भाई कालेश्वर मंदिर आ चुके हम, जो कि आपको मैंने दिखाया था अभी रास्ते में, तो आप देखते हैं यहाँ पे कैसा क्या है। भाई आ चुके हम श्री कालेश्वर धाम मंदिर में, अब अंदर एंट्री मार के देखते हैं कैसा क्या मंदिर है। मेरे को काफी अच्छा लग रहा मंदिर। तो भाई ये है कालेश्वर मंदिर, आपको दिखाता हूँ मैं। ये है भाई कालेश्वर धाम मंदिर, बहुत ही अच्छी बनावट और बहुत अच्छा फील होता है, एकदम शांति महसूस होती है यहाँ पे। तो बस आप भी दर्शन कर लो। ये है भाई मंदिर महाकालेश्वर जी का, और यहाँ पे शिवलिंग है और माता नर्मदा जी की मूर्ति बनी हुई देख सकते हो आप। और भाई ये मंदिर भी जस्ट नर्मदा जी की साइड में ही बना हुआ है, देख सकते हो आप शाम के टाइम में नर्मदा जी का कितना सुहाना मतलब लगता है यार यहाँ पे। मनीषा कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा ना? हाँ। तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है हमको, और यहाँ से आप मंदिर दिखाता हूँ आपको। जय
जलेश्वर मंदिर है। कौन सा वो सामने वाला? हाँ, जलेश्वर। तो भाई वो है जलेश्वर मंदिर, और देख सकते हो सीन कितना तगड़ा आपको दिखाई देता होगा, जो कि सूर्य देवता भी अपने घर जा रहे हैं। भाई ये सामने नर्मदा जी है, और उसके पीछे महेश्वर जी का मंदिर था, और ये जलेश्वर, और ये मंदिर है महाकालेश्वर मंदिर। आपको तीनों मंदिर यहाँ से मैंने दिखा दिए, जो कि तीनों दिख सकते हैं यहाँ से, लेकिन थोड़ा शाम हो गया इसलिए नहीं दिख रहे हैं। भाई यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। तो भाई आपने देखा जलेश्वर धाम का मंदिर, और कालेश्वर मंदिर भी ये है, और महेश्वर भी आपको दिखाया मैंने, और बहुत अच्छा लगा। आज का हमारा हुआ कंप्लीट ब्लॉग। भाई बाहर से कुछ ऐसा दिखता है मंदिर, और अंदर जो बनावट है, अंदर की बनावट है एकदम नए ज़माने की, और बाहर से पुराने ज़माने का है। तो गाइस कैसा लगा ब्लॉग महेश्वर धाम का? आपको तीनों मंदिर मैंने दिखाए, और मैं उम्मीद करता कि आप सबको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को अभी तक नहीं किया तो ज़रूर करना, और लाइक ज़रूर करना। और यहाँ से आप जाएंगे हम मेरी बुआ के घर पे, और कल हम जाएंगे मांडू घूमने, तो आप मांडू का ब्लॉग भी देखना। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय।